गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। अपन बात कर रहे थे जेएनयू के अंदर, जेएनयू यूनिवर्सिटी की, अपने पास बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 3 की बात चल रही थी। दिन तीसरी यूनिट है एल्डिहाइड्रेट विद कीटोन। ये एक प्रकार के क्या है, कार्बी या कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या है, यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक की बात चल रही थी। एल्डिहाइड्रेट विद कीटोन, इसके अंदर अपने राजा पढ़ लिया था कि एल्डिहाइड्रेट का अणुसूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड्रेट कीटोन का अणुसूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड्रेट और कीटोन के निर्माण की, सॉरी नामकरण की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके बारे में भी अपन ने वार्तालाप कर ली थी। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे जो एल्डिहाइड्रेट विद कीटोन है उनके संश्लेषण यानी निर्माण की विधियां कौन कौन सी है उसके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं जो एल्डिहाइड्रेट है, एल्डिहाइड्रेट विद कीटोन के संश्लेषण की कौन कौन सी विधियां हैं। अब मैं बात करूं राजा, तो एल्डिहाइड्रेट विद कीटोन के संश्लेषण की मुख्यतः तीन प्रकार की विधियां हैं। एक तो ऐसी विधियां होगी जिससे सिर्फ एल्डिहाइड्रेट का ही निर्माण होगा, एक राजा ऐसी विधि होगी जिसके द्वारा सिर्फ यानी केवल कीटोन का ही निर्माण हुआ, और कुछ ऐसी भी विधियां हैं राजा जिसके द्वारा एल्डिहाइड्रेट व कीटोन दोनों का क्या होता है, निर्माण होता है, एल्डिहाइड्रेट का भी होता है और कीटोन का भी होता है। ऐसी भी विधियां हैं, और कुछ विधियां केवल क्या होगा, एल्डिहाइड्रेट का होगा, कुछ विधियां में केवल किसका होगा, कीटोन का होगा, और कुछ विधियां हैं जिसमें कीटोन व एल्डिहाइड दोनों का निर्माण हो जाता है। तो आज पहले अपन क्या पढ़ेंगे, वे विधियां जिससे केवल एल्डिहाइड्रेट का निर्माण होता है उन विधियों की बात वार्तालाप करेंगे। फिर अपन करेंगे वे विधियां जिससे सिर्फ और सिर्फ किसका, केवल कीटोन का संश्लेषण होता है, कीटोन का निर्माण होता है। फिर अपन पढ़ेंगे कि वे विधियां जिससे कीटोन व एल्डिहाइड्रेट दोनों का क्या हो, संश्लेषण हो राजा, ऐसी विधियां अपन पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर अपने पास रहेगी वो है एल्डिहाइड्रेट के संश्लेषण की विधियां। इसमें अपन कहें केवल एल्डिहाइड्रेट, केवल एल्डिहाइड्रेट के संश्लेषण की विधियां। ये राजा मैं केवल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अपन आगे ऐसी विधियां पढ़ेंगे जिससे एल्डिहाइड्रेट भी बनता है और कीटोन भी बनता है, तो इसलिए इन विधियों से सिर्फ क्या बनेगा, एल्डिहाइड्रेट का ही निर्माण होगा राजा। किसका निर्माण होगा, एल्डिहाइड्रेट का ही निर्माण होगा। लेकिन उसके अलावा कुछ विधियां हैं जिससे एल्डिहाइड्रेट व कीटोन दोनों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, केवल कौन सी विधियां होगी जिसमें एल्डिहाइड्रेट का ही निर्माण होगा। सबसे पहले अपन इसकी विधि की बात करें तो अपने पास विधि रहती है दोस्तों, वो विधि कौन सी रहती है, अम्ल क्लोराइड के अपचयन से, अपचयन से, कौन सी अम्ल है, क्लोराइड की अपचयन के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, एल्डिहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। इस अभिक्रिया को रोजेन मुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है राजा, रोजेन मुंड अभिक्रिया ही कहा जाता है। ये कैसे बनती है, इस विधि में एसिड हैलाइडों का जाइलिन माध्यम में उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में राजा, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन सा हो जाएगा, मैं लिख लेता हूं यहां पर, उत्प्रेरक होगा अपने पास वो होगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, BaSO4। या दूसरा उत्प्रेरक यहां हो सकता है दोस्तों, वो कौन सा होगा, पैलेडियम, और पैलेडियम का अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, Pd। और या उत्प्रेरक कौन सा होगा, जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्रभावित करके अपचयन करवाया जाता है जिससे एल्डिहाइड्रेट प्राप्त होता है, और इस विधि को अपन क्या कहते हैं, रोजेन मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्या आ जाता है, एसिड हैलाइडों का, एसिड हैलाइड ले लेते हैं जैसे CH3, फिर डबल बॉन्ड और यहाँ ले लिया Cl। हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। हाइड्रोजन गैस किस
किसकी उपस्थिति में करेंगे, या तो किसकी टीडी होगी या क्या होगा, बेरिलियम सल्फेट यानी BaSO4, और एक कौन है माध्यम कौन सा है, जाइलीन माध्यम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जाइलीन माध्यम में करवाते हैं तो अपने पास क्या होगा, जो हाइड्रोजन है या ये हाइड्रोजन क्या करेगा राजा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देगा, इस क्लोरीन को क्या करेगा प्रतिस्थापित कर देगा, तो अपने पास किसका निर्माण हो जाएगा, CH CH3 और COO और C, यहाँ आ जाएगा अपने पास हाइड्रोजन आ जाएगा क्लोरीन के स्थान पर, तो क्या आ जाएगा राजा, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन के स्थान पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब पीछे क्या बचा राजा, यहाँ से क्लोरीन पृथक हो गया, क्लोरीन क्या हो गया राजा पृथक हो गया, और क्लोरीन के स्थान पर हाइड्रोजन आ गया, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित हो गया। अब पीछे क्या बचा, यहाँ क्लोरीन है या हाइड्रोजन दो थे तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा, तो यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, HCl का निर्माण हो जाएगा। और ये अपने पास जो पड़ा है ये क्या है, एल्डिहाइड्रेट है, क्या है दोस्तों, एल्डिहाइड्रेट का निर्माण हो गया, किसका हुआ राजा, एल्डिहाइड्रेट की, किस विधि के द्वारा, अम्ल क्लोराइड के अपचयन द्वारा। और इस प्रकार से एल्डिहाइड्रेट का निर्माण होना किस नाम से जाना जाता है, रोजेन मुंड अभिक्रियाएं कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाएगी राजा, रोजेन मुंड अभिक्रियाएं कहते हैं, रोजेन मुंड अभिक्रियाएं कहते हैं। आगे अपन देखते हैं अगली अभिक्रिया है एल्केन साइनाइड। एल्केन साइनाइड के द्वारा अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, एल्डिहाइड्रेट का कर सकते हैं। तो इधर देखते हैं एल्केन, भाई एल्केन कौन सा है, एल्केन साइनाइडो यानी एल्केल की क्या होते हैं, नाइट्रोलो द्वारा अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, एल्डिहाइड्रेट का निर्माण कर सकते हैं। और इस अभिक्रिया को स्टेफन अभिक्रिया कहते हैं। स्टेफन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करने पर एल्डिमिन बनती हैं, जिसके जल अपघटन द्वारा क्या बनता है, एल्डिहाइड्रेट बनता है। स्टेनस क्लोराइड होता है, इनका अणुसूत्र क्या होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या होता है, SnCl2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही आपको आता होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl द्वारा अपचयन करने पर एल्डिमिन बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने पास क्या है, एल्किल साइनाइड यानी CH3 और फिर ट्रिपल बंद N हो जाएगा, इसका अपन क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करते हैं दोस्तों, एक तो है अपने पास क्या हो जाएगा, स्टेनस क्लोराइड यानी HNCl2 या क्या होगा दोस्तों, या तो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की उपस्थिति में करवाने पर क्या करेंगे, उसके बाद अपन करवाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होगा, एल्डिमिन प्राप्त हो जाएगा। और एल्डिमिन का अपन क्या करेंगे, जल अपघटन, तो इसको साथ में ही ले लेते हैं, अपन साथ में ले लेते हैं अभिक्रिया को, कैसे, CH3 ट्रिपल बंद N और H2O हो जाएगा, और अपने पास किसका निर्माण हो जाएगा, एल्डिहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा। इधर देखते हैं राजा, जो अपने पास जल है HOS, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो आराम से इसको लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, जो OS समूह होता है, ये OS समूह क्या कर देता है, इस जो नाइट्रोजन को क्या करेगा राजा, प्रतिस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन के स्थान पर ये आ जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा CH3CHO बन जाएगा, SO ये आ गया, या नाइट्रोजन है वो मुक्त हो गया, और नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगा N2 और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गया है, एल्डिहाइड्राइड का निर्माण हो गया है, किसका निर्माण हो गया राजा, एल्डिहाइड्राइड का निर्माण हो जाता है कि एल्केन साइनाइड के द्वारा एल्डिहाइड्रेट इस प्रकार से बनता है। उपस्थिति याद रखना, स्टेनस क्लोराइड व HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन यानी H2O के अपघटन के द्वारा
एल्डिहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगली विधि देखते हैं अपन, अगली विधि कौन सी हो जाएगी अपने पास, ये ऑक्सो विधि। कौन सी विधि है राजा, ऑक्सो विधि। किसी एल्किन को CO व H2 के मिश्रण को जब उच्च ताप या दाब पर उत्प्रेरक कौन सा है दोस्तों, उत्प्रेरक कोबाल्ट कार्बोनिक हाइड्राइड का अणुसूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है COH और COH कोष्टक CO का होल, ये अपने पास क्या हो जाएगा, उसका अणुसूत्र हो जाएगा किसका, कोबाल्ट कार्बोनिक हाइड्राइड पर से प्रभावित किया जाता है तो एल्डिहाइड्रेट निर्मित होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं किसी एल्किन कोई भी ले लेते हैं, जैसे CH3CH2 एल्कीन बोलाएं तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यह आ जाएगा CH2। भाई दो इस कार्बन के कितने संयोजकता, तीन हाइड्रोजन एक बंद है पूरी, इस कार्बन के एक और दो तीन बंद, एक हाइड्रोजन पूरी है, इस कार्बन के दो बंद और दो हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब इसका क्या करवा रहे हैं, अपन को करवाना है इसकी उपस्थिति में प्रभावित करवाने पर किसके साथ एल्कीन को, या तो CO2 ले सकते हैं या H2O कोई भी ले सकते हैं, इसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक कौन सा है बताओ मुझे, उत्प्रेरक है दोस्तों अपने पास कार्बोनिक हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो अपने पास किसका निर्माण होगा दोस्तों, एल्डिहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से देखो यह हाइड्रोजन है, क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन, और इसके साथ साथ और ले सकते हैं अपने पास किसकी उपस्थिति, हाइड्रोजन और किसके COH2 के साथ अपन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है दोस्तों, एल्डिहाइड्रेट का निर्माण होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बंद है, ये बंद विघटन हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको खोल कर लिखना चाहूँ दोस्तों तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्लोरीन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, और उधर क्या है अपने पास, हाइड्रोजन है H, यहाँ से ये ऑक्सीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ये दोनों जुड़ेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा दोस्तों तो OS का, हाइड्रोक्साइड का बनेगा, और ये OS समूह है, ये OS समूह क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से इस डबल बंद है, इस डबल बंद को प्रतिस्थापित करके यहाँ जुड़ जाएगा तो अपने पास किसका, किस प्रकार की अभिक्रिया, डबल बंद हटेगा तो CH3 या हो जाएगा CH2 और क्या रहा है अपने पास CH2 और यहाँ से अपन देखें डबल बंड हट गया, या अपन यहाँ से देखें कि ये कार्बन है ये भी साथ में आ जाएगा, यानी ये समूह बन जाएगा और ये समूह किस प्रकार से बनेगा, CHO बनेगा और इसे ही अपन क्या कहते हैं, एल्डिहाइड्राइड कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, एल्डिहाइड्राइड कहा जाता है। ये अपने पास थी सिर्फ ऐसी विधियाँ जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ किसका, एल्डिहाइड्रेट का निर्माण किया जा सकता है। कौन कौन सी विधि थी एक बार अपन देख लेते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं, पहली विधि थी अपने पास केवल कौन सी विधि जिसके द्वारा एल्डिहाइड्रेट का ही निर्माण किया जा सकता, वो केवल विधियां अपने पास थी। पहली विधि थी अपने पास अम्ल क्लोराइड के अपचयन के द्वारा, किसके अपचयन के द्वारा राजा, अम्ल क्लोराइड के अपचयन के द्वारा। इस विधि में एसिड हैलाइडों का क्या करेंगे, जाइलिन माध्यम में उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक कौन सा है, दो उत्प्रेरक, एक तो है पैलेडियम यानी PD या बेरियम सल्फेट मतलब BaHO4 की उपस्थिति में
क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके अपचयन करवाया जाएगा जिससे एल्डिहाइड्रेट प्राप्त होगा। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, रोजेन मुंड अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो ये हो गया अपने पास हाइड्रोज, फिर उपस्थिति है पीडी या BSO4 या जाइलिन माध्यम होगा, पास एल्डिहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा। अगली विधि अपन ने पढ़ी थी वो कौन सी थी, एल्केन साइनोडो या जिसे एल्किन नाइट्रोलो कहते हैं, द्वारा क्या करेंगे अपन, एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड का अनुसूत्र होता है SnCl2 एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल द्वारा अपचयन करने पर एल्डिमिन बनती हैं, जिसके जल अपघटन पर एल्डिहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन के द्वारा एल्डिहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो अपन ने यहाँ क्या किया, एल्किल साइनाइड लिया, फिर जल अपघटन करवाया किसकी उपस्थिति में, स्टेनस क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति, तो एल्डिहाइड्रेट का निर्माण हो गया, अन्य N2H2 का भी निर्माण हो गया। मुख्य उत्पाद अपने पास क्या है, एल्डिहाइड्रेट ही बनाना था। अगला अपन देखते हैं ऑक्सो विधि में अपन ने क्या किया था, किसी एल्किन, कोई भी एल्किन है उसकी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO या हाइड्रोजन H2 के मिश्रण को जब उच्च ताप वेदाब, यह अभिक्रिया क्या होगी, उच्च ताप वेदाब पर उत्प्रेरक कोबाल्ट कार्बोनिक हाइड्राइड की, उत्प्रेरक कौन सा है, कोबाल्ट कार्बोनिक हाइड्राइड पर प्रभावित किया जाता है, तो अपने पास एल्डिहाइड्रेट का निर्माण होता है। यहां से कार्बन से CO और एक हाइड्रोजन मिलके क्या बनेगा, CO अलग हो जाएगा, COS और COS यहां जुड़कर किसका निर्माण कर लेंगे, एल्डिहाइड्रेट का निर्माण कर लेंगे। यहां तक अपने पढ़ी थी राजा, जो केवल ऐसी विधियां जिससे एल्डिहाइड्रेट का निर्माण हुआ। अब अपन पढ़ेंगे ऐसी विधियां जिससे केवल कीटोन का निर्माण होता है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा कीटोन का निर्माण होता है, तो वो कल की क्लास में अपन कीटोन के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारी कॉलेज का एक ऐप बना हुआ है, उसके माध्यम से यदि आप उस ऐप को लेते हो, जो जिसके माध्यम से आपको BSc, BA और ITA की अनेक ट्रेड हैं हमारे पास, उनकी संपूर्ण क्लासें आपको निःशुल्क मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि क्लास देखनी हो, कंटिन्यू क्लासें देखनी हो, तो YouTube पर तो नहीं मिलेगी आपको, हमारे ऐप को ज्वाइन करके आप आराम से पूरी क्लासें देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मैं विदा लेता हूँ।